भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में मंडी जिला में भी मंगलवार को सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। जिला मुख्यालय मंडी में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों ने यह भी ऐलान किया कि यदि बैंकों के निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल होने के कारण आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्शन में वो इकट्ठा हुए हैं और हमारा 2 दिवसीय जो हड़ताल चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है और आज हम लोग नेशन वाइड हड़ताल कर रहे हैं और पूरे देश में जगह जगह जो भी बैंक कर्मी है 10 लाख बैंक कर्मी आज हम लोग हड़ताल पे हैं। और हड़ताल जो ये है वो प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है और सरकार के विरोध में। सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी है और पूरे बैंक को प्राइवेट करने के लिए जो ताना वाना होते हैं जिससे पूरे देश का नुकसान होने वाला है, भारत के जनता का नुकसान होने वाला है, भारत के गरीबों का नुकसान होने वाला है। जब ये बैंक प्राइवेट हाथों में जाएगा तो जो सरकारी योजना का क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन जो बैंकों के माध्यम से होता है, गरीबों की जो इतनी योजनाएं हैं वो सबको नुकसान पहुंचेगा और गरीब ठगा सा महसूस करेगा। इसलिए हम लोग आज हड़ताल पे हैं क्योंकि हम लोग तो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, हमारे से ज़्यादा नुकसान उन गरीबों का है जिनको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिनको हम लोग जनधन योजना से जोड़ा है, देश के गरीब जनता को जनधन योजना से जोड़ा है, जिनको हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा दे रहे हैं, जिनको हम जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा दे रहे हैं, अटल पेंशन योजना दे रहे हैं, ये सारे जो बैंक के योजनाएं हैं वो ठप पड़ जाएगी और गरीब जनता जो है वो कहीं का नहीं रहेगी, ठगा महसूस करेगी। और गरीबों का जो धन बैंकों में जमा है यह कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सिमट के रह जाएगा और अपनी तरह से वो यूज़ करेंगे और गरीबों का नुकसान ही नुकसान होगा। हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल में हम लोग अपनी सैलरी भी नहीं लेंगे। हम लोग अपनी सैलरी हड़ताल पे रहते हैं तो नो वर्क नो वेज के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और हम अपना नुकसान तो करा रहे हैं लेकिन हमारा बस एक ही मोटो है कि देश को बचाना है और देश को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकना है। और ये हड़ताल जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं और ये आज को दूसरा दिन है और 2 दिन के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे जो नेता हैं वो बैठेंगे, विचार करेंगे कि आगे हमारे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और फिर आगे भी हम लोग हड़ताल या जिस तरह का डिसीजन ऊपर के लेवल पे लिया जाएगा वो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय सीनियर मैनेजर हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्कूल बाजार ब्रांच में और साथ ही साथ हम ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के मंडी के प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।